मुरादाबाद के साथ डीके चौक पर पोस्ट है और आप देख रहे हैं तमाम कर्मचारी हैं और एक रैली निकल आप देख रहे हैं लगाते हुए कारण है क्यों ये आज बैलेंस निकाल रहे हैं इसका क्या अभी इनसे जानेंगे जी क्या नाम है आपका सर मैं ओम प्रकाश डिवीजन प्रेसिडेंट हूँ जी क्या नाम है मेरा नाम ओम प्रकाश है मैं डिवीजन प्रेसिडेंट हूँ और हमारी जो मांगे हैं न्यू पेंशन स्कीम को रिस्टोर करके वो पेंशन स्कीम दी जाए दूसरा जो डीए हमारा 1 जनवरी 2020 है तो 1 जनवरी 2021 से जो आया है वो रिलीज किया जाए जो करंट डीए है उसको रिलीज किया जाए और जो हमारी जो वैकेंट सीट्स हैं वो पीए की एसए और हमारा एमटीएस और पोस्टमैन वो फिलअप की जाए जीटीएस जो हमारे कर्मचारी हैं उनका जो सिलेबस सिविल सर्वेंट दिया जाए हमारी ये मांगे हैं और जो इन्होंने वेरी गुड जो बेंचमार्क जो वेरी गुड जो इन्होंने किया है उसको स्क्रैप करके गुड किया जाए हमारी ऐसी 22 मांगे हैं जो सरकार 22 सूत्री मांगे जो हमने रखी हुई हैं ये हमें जो सरकार से जो हम अनुरोध करते हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए कुछ निजीकरण को लेकर भी कुछ निजीकरण है जो विभाग में निजीकरण की तरफ जो बढ़ाया जा रहा है तो उस निजीकरण को खत्म किया जाए जो जितनी भी जो हमारी वैकेंट पोस्ट है जो हमारे चाहे वो पोस्टमैन स्टाफ है चाहे क्लेरिकल है उसको जो है जो फिलअप किया जाए नेटवर्किंग की जो प्रॉब्लम है हमारी जी वो भी हमारी मतलब बंद नेटवर्किंग की जो प्रॉब्लम चल रही है हमारे स्टाफ में जिससे हमारा स्टाफ बहुत हरासमेंट होता है उस लिमिट को बढ़ाया जाए और जो ग्रामीण डाक सेवक है उनको ग्रामीण डाक सेवक की मोस्टली वैकेंसी खाली पड़ी हुई है और उन वैकेंसियों के वाइज कोई भी आउटसाइडर नहीं लगाए जा रहे इससे पहले इनके पास प्रावधान था कि आउटसाइडर के उसके आउटसाइडर लगाए जा रहे थे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का हमारा काम सुचारू रूप से चल जाता वो भी सरकार ने बंद कर दिया दूसरा जो पुरानी पेंशन स्कीम थी हर कर्मचारी चाह रहा कि 2004 के अंदर इसी सरकार ने उस पुरानी पेंशन को बंद किया था पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो लागू करी जाए ये जो एमपीएस की जो स्कीम है इसको बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर लागू किया जाए क्योंकि तो मार्केट बेस के ऊपर है जितना है जो मार्केट के अंदर ये पैसा लगाया जा रहा है मार्केट के अंदर अप और डाउन होगा उसी के हिसाब से उसके ऊपर कर्मचारी के ऊपर निर्भर करेगा हम नहीं चाहते कि हमारा कर्मचारी भी मार्केट के ऊपर डिपेंड हो हम चाहते हैं कि जैसे पहले जो पुरानी पेंशन दी जाती थी उसी पेंशन को लागू किया जाए और जो हमारी जो मुख्य मांगे हैं निजीकरण का भी हमारा विशेष तौर पर विरोध है कि जो और महकमों के अंदर जो निजीकरण कर दिया गया है हम चाहते हैं कि हमारे डाक विभाग के अंदर जो सबसे पुराना विभाग है एशिया का सबसे बड़ा महकमा है जो घर घर तक पहुंचता है अगर एक मकान भी की पहाड़ी के ऊपर है वहाँ भी अपनी सेवा देता है तो हमारा सरकार से भी नंबर विनोद है कि निजीकरण का तरफ इस विभाग की तरफ देखा ही ना जाए कभी अगर आप लोग सपने देख रहे हो कि हम इसका भी निजीकरण कर देंगे तो आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे किसी भी सूरत में कर्मचारी सारा एक है और वो एकजुट खड़ा है और भविष्य में भी इसी तरह से खड़ा रहेगा ये हमारा जी क्या नाम है आपका मेरा रविदत्त यादव है रविदत्त जी तो आज ये जो आप हड़ताल कर रहे हैं तो आज क्या मकसद है इसका मतलब क्या रैली क्या रहेगी ये रैली हमारी ये रहेगी ये हमारे 20 सूत्री मांगे हैं 22 सूत्री मांगे हैं और सेंटर के वहाँ से हमारे पास कॉल है उसी के तहत ये सार्वजनिक पूरे देश की हड़ताल है न कि खाली एक फरीदाबाद की हड़ताल है और हम इस 22 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं जिसमें हमारे जितनी भी कैटेगरीज के कर्मचारी हैं उन सभी की मांगे हैं और उसी हर कैटेगरीज के ऊपर हम ये हर कैटेगरीज का ये हमारा कर्मचारी खड़ा हुआ है और सभी शामिल है आज के दिन 99% हमारी स्ट्राइक है जिसमें हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं फरीदाबाद डिवीजन के अंदर फरीदाबाद और पलवल यहाँ से लेके होटल बॉर्डर तक जो आपका कोसी बॉर्डर लगता है वहाँ तक ये हमारा डिवीजन है फरीदाबाद आज के दिन टोटली पोस्टल डिवीजन बंद है टोटली कार्य बंद है
और कर्मचारी ने दो दिन की हड़ताल थी कल की और आज की, अगर भविष्य में हमारी सुनवाई नहीं होती है और हमें ऊपर से अगर आदेश दिया जाता आगे हड़ताल करने का, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम दोबारा से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है, क्या हमारी मांग जी? एक जीडीएस का, जीडीएस जो हमारे कैजुअल जीडीएस है, ये मांग में मुख्य रूप से रखा गया है कि जीडीएस भाइयों को इनको रेगुलर करने का जो प्रावधान है वो हमारी तरफ से मांग में मांगा गया है। 5 सप्ताह की 5 डे वीक वर्क जो लिया हुआ है वो 5 डे वर्क हर डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी में 5 डे वीक का व्यवस्था बनाने का मतलब प्रोविजन है जी। मैं सुरेश गौतम हूँ, जीडीएस यूनियन सेक्रेटरी जी। गौतम जी, हमारा जो ग्रामीण डाक कर्मचारी है पूरे देश में हर जगह, चाहे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो या कहीं भी हो, हर घर में हर गांव से इतना जुड़ा हुआ है कि सारा कार्य कोई देखता है। संचार मंत्री, हमारा जो डाक विभाग है उसमें 50% से ज्यादा जीडीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन जो आज वीकेंड पोस्ट हैं उन पोस्टों पर हमारे प्रशासन ने या उच्च अधिकारियों ने वहाँ कोई पोस्ट देने की हिम्मत नहीं दिखाई है। जो एक ही आदमी, जहाँ 3-3 आदमी होते थे, आज एक आदमी काम कर रहा है और हमारे जीडीएस के साथ बहुत ही शोषण किया जा रहा है। हम ये प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से, भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो जीडीएस कर्मचारी हर प्रत्येक गाँव में हर घर तक जुड़ा हुआ है और 50% कार्य इस पोस्टल डिपार्टमेंट को करके दे रहा है, उनके साथ इतना शोषण किया जा रहा है, हम उसके विरोध में आज पूरे देश में हमारे पूरे 99% की हड़ताल है और हम भविष्य में ये करेंगे कि अगर ये हमारी सोच नहीं सोचा गया हमारी तरफ, तो हम पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कार्य करते रहेंगे। आज जो जुलूस निकालने कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा आज का जो जुलूस है हेड ऑफिस से लेके और नीलम चौक होते हुए हम जो जुलूस निकालेंगे और सरकार से बार बार हम विभाग से बार बार अनुरोध करते हैं कि वैसे हमें बैंकिंग का कंपेरिजन करके काम किया जाता है, लेकिन बैंकिंग में 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे छुट्टी होती है और हमारी कोई छुट्टी नहीं होती सैटरडे की, हम पूरे रेगुलरली ऐसे कार्य करते रहते हैं। हम यही विनती करते हैं कि अगर हमें कंपेरिजन करके काम करवाया जा रहा है तो हमें उनकी सुविधा भी दी जाए। पूरे देश में हड़ताल है कल और आज अपनी मांगों को लेकर, जैसा कि बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये अनिश्चितकालीन तक जो हड़ताल हो सकती है जी। हाँ जी, रोड के ऊपर एक लाइन के अंदर चले, कोई भी डीके चौक से नीलम चौक पर होते हुए वापस ये जो जुलूस है बनाया जाएगा और सभी साथियों से अनुरोध है कि वो लाइनों के अंदर रहे। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, संचार मंत्री, संचार मंत्री, संचार मंत्री, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, कर्मचारी एकता, बड़ी संख्या में कर्मचारी रोड पर अपनी मांगों को लेकर, उनकी जो 22 सूत्रीय मांगे हैं करने के लिए।
आज ये जुलूस निकाला गया है, जिनमें से मुख्य तौर पर निजीकरण को लेकर और जो पेंशन योजना है नई, उसमें पुरानी रैली को बहाल करने के लिए ये जो जुलूस निकाला गया है। महत्वपूर्ण खबरों के साथ धन्यवाद।